हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। यह वीडियो आप लोगों को काफ़ी दिनों के बाद इस चैनल पर देखने को मिला है, तो कुछ प्रॉब्लम के कारण वीडियो जो है कि लेट आ रहा है, लेकिन फाइनली अब वीडियो आ गया है और अब आपका पर डे क्लास चलेगा जिससे आपको एग्जाम तक तैयारी कराई जाएगी। तो यह जो है कि हमारा, देखिए इसमें जो है कि हम देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास टेंथ का हिंदी, जो कि आपको पढ़ना है गोधूली भाग टू। यहाँ पर भाग टू छूट गया है, तो गोधूली भाग टू जो पढ़ना है आपको दो बुक पढ़ना है, एक है गोधूली भाग टू, दूसरा है वर्णिका भाग टू। तो हम लोग जो है इसमें जो है कि सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, चैप्टर का नाम और लेखक का नाम जो होता है वह आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होता है, जिससे कि है कि 5 से 10 नंबर अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका एग्जाम में 5 से 10 नंबर कंफर्म हो जाता है 100%। ये गारंटी के साथ मैं कहता हूं, तो आपका जो है कि 5 से 10 नंबर कंफर्म क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो देखना नहीं भूले और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, ताकि आपको जो है कि पूरा का पूरा लाभ मिल सके। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो मिले वह आप तक से पहले पहुंच गए। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि देखिए आपको गोधूली भाग टू में आपको टोटल 24 चैप्टर पढ़ना है। कितना चैप्टर? टोटल आपको 24 चैप्टर पढ़ना है, जो कि गोधूली भाग टू से आपको गद्य भाग जो है वह 12 पढ़ना है और पद्य भाग 12। क्या है गद्य भाग में? हमारा 12 चैप्टर है, उसको हम लोग देखेंगे और उसका राइटर कौन है, उसका लेखक यानी कौन है, उसके बारे में देखेंगे। तो आपका देखिए फर्स्ट चैप्टर जो है यहाँ पे आपको दिया हुआ है पाठ का नाम यानी चैप्टर्स नेम और यहाँ पे लेखक यानी राइटर्स नेम। ठीक, तो यहाँ पे आपका सबसे फर्स्ट चैप्टर आपका शुरू हो रहा है। पहला चैप्टर क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, बहुत ही अच्छा चैप्टर का नाम है। और यह जो है कि आपका क्या है, निबंध है। यानी अगर पूछेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है, तो क्या बताना है हमको? निबंध बताना है। क्या? निबंध। तो फाइनली आप आंसर बता सकते हैं कि वह निबंध है, जिसके लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर है। क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का है, उन्हीं का पूरा नाम है। ठीक, तो क्या है इनका नाम? क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हम बोल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है चैप्टर जो है वह है विष के दांत। सेकंड चैप्टर जो है वह क्या है? विष के दांत, जो कि क्या है, यह गद्य की जो है यह कौन सी विद्या है? तो यह आपका कहानी है। क्या है? कहानी है, जिसके लेखक कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा है। कौन है? नलिन विलोचन शर्मा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा थर्ड चैप्टर हमारा क्या है? तीसरा चैप्टर यानी भारत से हम क्या सीखे, यह आपका जो है गद्य की यह भाषण है। क्या है? अगर पूछेगा कि भारत से हम क्या सीखे, गद्य की कौन सी विद्या है, तो आपको बताना है भाषण। और अगर पूछेगा कि इसका लेखक कौन है या इसके जो है यह रचनाकार कौन है, तो क्या बताएंगे? मैक्स मूलर। इसका जो लेखक है या रचनाकार है वह मैक्स मूलर है। जैसे देखिए आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन देगा वह इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन और इधर सामने आंसर ऐसे नहीं देगा, आपको जो है ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पे आपको ये देगा। जैसे कि ये क्वेश्चन आपको टाइप कर देगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ देगा। ऑप्शन में आपको फाइनली ए बी और सी डी करके आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, जिसमें आपको कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसमें आपको दिखेगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सिर्फ भीमराव अंबेडकर, उसी को आपको टिक करना है। ठीक, उन्हीं का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा चैप्टर हमारा क्या कह रहा है? यहाँ पे चौथा चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह जो है आपका एक ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है, जिसके लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है? नागरी लिपि। क्या है? नागरी लिपि, जो कि एक निबंध है और जिसके लेखक कौन है? तो गुणाकर मूल्य है। क्या है? इसके नागरी लिपि जो है यह हमारा निबंध है, जिसके लेखक गुणाकर मूल्य है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि नागरी लिपि निबंध के निबंधकार कौन है। क्या है? नागरी लिपि निबंध के निबंधकार कौन है, तो क्या बताएंगे? गुणाकर मूल्य। या पूछेगा कि नागरी लिपि के रचनाकार कौन है या नागरी लिपि किनके द्वारा लिखा गया है, तो हम क्या बताएंगे? गुणाकर मूल्य, क्योंकि हमारा जो फाइनली आंसर होगा वह गुणाकर मूल्य होगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। छठा चैप्टर हमारा क्या है कह रहा है? बहादुर। यहाँ जो है कि चैप्टर का नाम आपको बहादुर है, जो ब्रैकेट में दिया गया है। यह जो है आपकी गद्य की विद्या है, यानी बहादुर जो है वह आपका कहानी है, जिसके लेखक कौन है? तो अमरकांत है। कौन है? अमरकांत है। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जो वीडियो नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सातवां चैप्टर है परंपरा का मूल्यांकन। क्या है? परंपरा का मूल्यांकन, जो कि यह क्या है? यह निबंध है। आपकी गद्य की कौन सी है? तो निबंध है, जिसके लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा। क्या है? रामविलास शर्मा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? जीत जीत मैं निर्खत हूं। क्या है? जीत जीत मैं निर्खत हूं, जिसके या क्या है? या आपका गद्य की विद्या जो है या आपका साक्षात्कार है, जिसके लेखक पंडित बिरजू महाराज। कौन है? पंडित बिरजू महाराज है, जो कि एक नर्तक भी है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका नौवां चैप्टर, क्या है? आविन्यू, जो कि क्या है? यह आपकी गद्य की विद्या है। इसका ललित रचना। क्या है? यह ललित रचना है, जिसके लेखक है अशोक वाजपेयी। कौन है? अशोक वाजपेयी।
पे। नेक्स्ट आपका दसवां चैप्टर कह रहा है क्या, यह आपका चैप्टर का नाम हुआ मछली। क्या है चैप्टर का नाम? मछली है, जो कि यह क्या है, यह कहानी है। जिसके लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल है। यानी मछली कहानी के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या कर रहा है। ग्यारह नंबर जो चैप्टर है वह है नौबत खाने में इबादत। क्या है? नौबत खाने में इबादत, जो कि एक आपका व्यक्ति चित्र है। क्या है? यह आपका व्यक्ति चित्र है। जिसके लेखक कौन है? तो यतीन्द्र मिश्र। क्या है? यतीन्द्र मिश्र। नेक्स्ट आपका चैप्टर बन रहा है क्या, शिक्षा और संस्कृति, जो कि एक शिक्षा शास्त्र है। अगर आपसे पूछेगा कि शिक्षा और संस्कृति गद्य की कौन सी विधा है, तो आसानी से आप बता सकते हैं, शिक्षा से ही समझ में आ रहा है कि यह क्या है, एक शिक्षा शास्त्र है। जिसके लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी, जो कि हमारे महान पुरुषों में से भी एक। ठीक, तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आप पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगेगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर इस प्रकार से देखिए, आपका जो है गद्य की जो टोटल 12 चैप्टर था वह समाप्त हो गया। एक तरफ आपको राइटर का नाम है, एक तरफ चैप्टर का नाम है। तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, आप इसे याद कीजिए या अपने बुक से याद कीजिए, कहीं से याद कीजिए, लेकिन आप इसको याद कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होता है। 5 से 10 नंबर आपका एग्जाम में मात्र, आप 20 से कितना है, आप 25 से 30 चैप्टर है, जिसको आप याद कर लेते हैं तो आपका 5 से 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। और इस तरह आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद करने पड़ता है, जो कि कितना, 50 नंबर ऑब्जेक्टिव के लिए। और अगर 30 नंबर 30 गो अगर क्वेश्चन याद करके आपको 5 से 10 नंबर मिला है, तो इसमें क्या बुराई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे हमारा गद्य भाग समाप्त हो गया, अब यहाँ पे पद्य भाग स्टार्ट होता है, यानी जो कविता का भाग है वो हमारा स्टार्ट होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या दिया है, पाठ का नाम और कवि का नाम, उसी प्रकार यानी यहाँ पे चैप्टर्स नेम और यहाँ पे राइटर्स नेम। ठीक, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा वह क्या है, राम नाम बिनु वीर थे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं मानो। ठीक, यह आपका चैप्टर का नाम दिया हुआ है। जिसके लेखक कौन है? तो गुरु नानक है। कौन है? गुरु नानक। नेक्स्ट आपका सेकेंड चैप्टर क्या कह रहा है, प्रेम आयनी श्री राधिका या करील के कुंजन ऊपर वैरो। ठीक, जिसके लेखक कौन है? तो कवि रसखान है। इसके कवि जो है वह कौन है? तो रसखान है। उसके बाद आपका तीसरा चैप्टर है, अति सुधो स्नेह को मारग है, मो अंशु निहुई लय वर्षो। क्या है? मो अंशु वानिहिम लय वर्षो। जिसके लेखक कौन है? तो घनानंद है। यानी इसके कवि कौन है? तो घनानंद। नेक्स्ट आपका चैप्टर चौथा चैप्टर कह रहा है, यह आपका क्या है, स्वदेशी। यानी आपका चौथा चैप्टर जो है वह क्या है, स्वदेशी है। जिसके लेखक कौन है? तो प्रेमघन है। कौन है? प्रेमघन। इस प्रकार से लाइन से दिया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर उधर से भी याद कर सकते हैं, लेकिन जो चैप्टर है उसी का राइटर हम याद करेंगे, दूसरा नहीं। ठीक, नेक्स्ट आपका पाँचवा चैप्टर क्या कह रहा है, भारत माता। ठीक, क्या है? भारत माता। जिसके लेखक कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत। यानी भारत माता एक आप कविता है, जिसका लेखक कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत। तो आपको एग्जाम में पूछेगा कि भारत माता कविता के कवि कौन है, तो क्या बताएंगे, सुमित्रा नंदन पंत। और ऑप्शन में कहीं कहीं पे दे देता है सिर्फ और सिर्फ पंत जी। ठीक, आपको क्या दे देगा, सिर्फ पंत जी। तो आप वहां पे ढूंढने नहीं लगिएगा, वही आपको सुमित्रा नंदन पंत, कहीं शॉर्ट नेम पंत जी है, तो आपसे यह भी पूछ सकता है कि पंत जी का पूरा नाम क्या है, तो सुमित्रा नंदन पंत। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हमारा छठा चैप्टर क्या है, जनतंत्र का जन। क्या है? जनतंत्र का जन। जिसके लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। यानी जनतंत्र का जन्म जो है उसके लेखक हमारा क्या है, रामधारी सिंह दिनकर, जो कि बिहार के एक कवि रह चुके हैं। ठीक, क्या है? यह बिहार के एक कवि है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, हिरोशिमा। यानी सातवां चैप्टर जो है वह है हमारा हिरोशिमा। जिसके लेखक कौन है? सचिदानंद हीरानंद वातस्यान अज्ञ। कौन है? सचिदानंद हीरानंद वातस्यान अज्ञ। ठीक, तो इनका जो है शॉर्ट नेम होता है सिर्फ और सिर्फ अज्ञ। तो आपसे पूछ सकता है कि अज्ञ का पूरा नाम क्या है, तो आपको पूरा बताना है, सचिदानंद हीरानंद वातस्यान अज्ञ। यह आपसे पूछेगा कि हिरोशिमा कविता के लेखक कौन है, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन में पूरा नाम नहीं देकर सिर्फ आपको अज्ञ दे देगा जी, की अज्ञ जी, तो आपको वही टिक करना है। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर आपका आठवां चैप्टर है, एक वृक्ष की हत्या। क्या है? एक वृक्ष की हत्या। जिसके लेखक कौन है? तो कुंवर नारायण है। यानी एक वृक्ष हत्या जो है उसके कवि कौन है? तो कुंवर नारायण। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या कह रहा है, नौवां चैप्टर है वह है हमारा हमारी नींद। क्या है? हमारी नींद चैप्टर का नाम है, और राइटर का नाम आपका क्या बन रहा है, वीरेन डंगवाल। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है दसवां, अक्षर ज्ञान। ठीक, इसमें आपको अक्षरों के बारे में पढ़ना है। क्या है? अक्षर ज्ञान यह कविता का नाम है, जो कि क्या है, अनामिका द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? अनामिका द्वारा। यानी इसके रचनाकार कौन है? तो अनामिका है। अगला चैप्टर है आपका लौट कर आऊँगा फिर। क्या है? लौट कर आऊँगा फिर। जिसके लेखक कौन है? तो जीवनानंद दास है। कौन है? जीवनानंद दास जी है। ठीक, नेक्स्ट आपका चैप्टर है मेरे बिना तुम प्रभु। क्या है? मेरे बिना तुम प्रभु। जिसके लेखक कौन है? तो रेनर मारिया रिल्के है। यानी मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है? तो रेनर मारिया रिल्के है। इस प्रकार से आपका गद्य भाग 12 और पद्य भाग 12, यानी टोटल यह जो है कि आपका कुल मिलाकर 24 चैप्टर था, और देखिए यह समाप्त हो गया। ठीक, अब आपको पढ़ना है एक वर्णिका, यानी
वर्णिका भाग टू आपको दो बुक पढ़ना है, जो कि ये गोधुली भाग टू से गद्य भाग और पद्य भाग था। आपको वर्णिका में केवल और केवल 5 चैप्टर पढ़ना है। कितना पढ़ना है? 5 चैप्टर, जो कि ये भी आपको इसी में बताया गया है। जैसे देखिए, ये आपका वर्णिका भाग टू का है, ठीक। वर्णिका भाग टू में आपको 5 चैप्टर पढ़ना है, जो कि पहला चैप्टर क्या है, दही वाली मंगम्मा। यह कहानी है दही वाली मंगम्मा। तो देखिए यहाँ पे आप सोचिएगा कि ब्रैकेट में यहाँ पे कहानी नहीं लिख के कन्नड़ लिखा गया, तो यह जो है कि आपको इसमें जो दिया गया है ब्रैकेट में सबका, यह आपको भाषा दिया गया है। यानी यह दही वाली मंगम्मा जो कहानी है वह किस भाषा में लिखा गया है, तो यह आपका कन्नड़ भाषा में है, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में दिया गया है। जिसके लेखक कौन है? तो श्रीनिवास है। नेक्स्ट आपका चैप्टर है सेकंड चैप्टर, क्या कह रहा है, ढहते विश्वास। यह जो है आपका उड़िया भाषा में है। किस भाषा में है? उड़िया भाषा में है, जिसके लेखक है सातकोरी होता। कौन है? सातकोरी होता। अगला चैप्टर है आपका माँ, जो कि गुजराती भाषा में है। क्या है चैप्टर का नाम है आपका? माँ, जो कि गुजराती भाषा में लिखा गया है, और जिसके लेखककार कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर। कौन है? ईश्वर पेटलीकर। अगला चैप्टर आपका क्या कह रहा है? नगर, जो कि यह तमिल भाषा में है। क्या है? तमिल भाषा में। और इसके लेखक फाइनली कौन सा है? तो सुजाता है। क्या है? इसके लेखक सुजाता। उसके बाद है अगला चैप्टर आपका धरती कब तक घूमेगी। क्या है? धरती कब तक घूमेगी, जो कि एक राजस्थानी कहानी है। यानी आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि धरती कब तक घूमेगी यह किस भाषा की कहानी है, तो आपको क्या बताना है, यह राजस्थानी भाषा की कहानी है, ठीक। आपका जो है इसका लेखक जो है वह कौन है? तो सांवरदैया है। यानी इसके रचनाकार कौन है? तो सांवरदैया है। अगर आपको वीडियो इस पर देखिए, जैसे कि आपका जो था वर्णिका भाग टू का 5 चैप्टर और गोधली भाग टू से 24 चैप्टर, टोटल मिला के आपका 29 चैप्टर है, ये आपका फाइनली समाप्त हो गया। तो देखिए इस प्रकार से अगर आप 29 चैप्टर को अगर याद कर लेते हैं, लेखक का नाम और एक तरफ से है जैसे कि, और उसके बाद रचना का नाम यानी चैप्टर का नाम और राइटर का नाम, तो इससे आपको एग्जाम में 5 से 10 नंबर अवश्य क्लियर हो जाएगी। ये 100% गारंटी है, ठीक। तो अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो आपका 5 से 10 नंबर क्लियर हो जाता है। इसलिए आप इसको हर हाल में याद रखिएगा, हमेशा के लिए याद रखिएगा, जब तक एग्जाम आप दे नहीं देते हैं, याद रखिए। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, अगर वीडियो, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वह सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए नेक्स्ट वीडियो को हम लोग मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय।